ग्यारहवीं में। पहली बार आई आप? हाँ मैं पहली बार। कैसे लग रहा है स्कूल में, पढ़ाई कैसे हो रही है? काफ़ी बढ़िया है, बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रेगुलर स्कूल आ रही है तो उसके टीचर भी इसकी तारीफ करते हैं, फीस भी नहीं लगती, बुक भी फ्री में मिली है तो अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। कभी कोई शिकायत तो नहीं? नहीं अब तक शिकायत कुछ बोला कभी तो बच्चों पे कभी शिकायत नहीं? नहीं कभी शिकायत नहीं। बेटा कितनी क्लास पढ़ रहे हो? 11th। किस स्ट्रीम की थी? नॉन मेडिकल। पढ़ाई सही होती है? बहुत अच्छी होती है सर। टीचर ने शिकायत नहीं पढ़ते नहीं ये नहीं पढ़ता नहीं सर नहीं सर कभी भी नहीं। पढ़ाई होती है? हाँ जी सर। पहले भी आए थे कभी? हाँ जी, मेरा बड़ा बेटा भी यहीं से पढ़ा था, उस वक्त गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया उसको। अच्छा। अब मैं छोटा बेटा पढ़ रहा है ये 11वीं में भी। तो यहाँ पर पढ़ाई अच्छी हो रही? बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं लेके गए इसको? प्राइवेट में 10वीं तक प्राइवेट में कराया, फिर इसमें कराया, मुझे अच्छा स्कूल लगा तभी यहाँ कराया है। प्राइवेट में खर्चा कितना आया? बहुत खर्चा आता है वहाँ पर, हम इसमें खर्चा नहीं है। फ्री हुआ? हाँ जी हाँ जी। खर्चा नहीं? नहीं बहुत अच्छी पढ़ाई। ये बातें भी महीने में फीस भी दे दी है, किताबें भी दे दी? नहीं 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 नहीं, मैं बहुत अच्छी हैं, सर भी अच्छे हैं, यहाँ के बहुत अच्छे हैं। तभी मैंने पहले मैं अपनी सहेली के बच्चे को डाला, फिर अपने बड़े बेटे को डाला, फिर अपने छोटे बेटे को डाला है। हाँ जी हाँ जी। बेटा की नाम? बेटा आदित्य चौहान। कितनी क्लास पढ़ रहे? प्लस वन डी। किधर की पढ़ाई स्कूल की? बहुत बढ़िया होती है। पहले प्राइवेट स्कूल पढ़े थे, किस प्राइस में आया? कितना फर्क लग गया? बहुत फर्क लग गया। फर्क है? हाँ जी। की फर्क लग गया कि पहले उत्थे जो प्राइवेट च पढ़ते सी तो उत्थे इन्ना नहीं पढ़ा, मतलब थोड़ा बहुत समझाते थे बस, हुण सरकारी च लगे थोड़ा समझाते, बहुत चंगी तरह समझाते है और वधिया समझाते है। हाँ नहीं। मेरा नाम चेरी मित्तल है, लेक्चरर फिजिक्स, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्टीपर्पज। अज दी मेगा पीटीएम बारे मेरे विचार बहुत यही ने कि इहो जे जिहड़े प्रोग्राम ने जिहदे च आपां मापे अध्यापक मिलनी रखी है, ये होने चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इहदे विच देखो सरकार इन्ने एफर्ट कर रही है बच्चों लिए, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम कर रहे हैं, स्वच्छता पखवाड़ा कर रहे हैं, कई होर बुक्स के बारे बुक्स लंगर लग रहा है, पर बच्चे पेरेंट्स नाल इन्नी मुलाकात नहीं होंदी कि दस सकन कि साढ़े स्कूल च ये प्रोग्राम चलते हैं। एहो जे प्रोग्राम विच अज असी जिहड़ियां स्टॉल्स लगाईयां है, असी बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम लगाया है, स्वच्छता पखवाड़ा असी लगाया है, फ्री बुक्स का लंगर लगाया है पेरेंट्स लिए, और इस तरह असी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की भी स्टॉल लगाई है, ईवन बिजनेस ब्लास्टर के प्रोजेक्ट चलाए है। इहदे नाल असी की देखिया कि जिहड़े पेरेंट्स है वह अवेयर हो रहे हैं कि स्कूल विच बच्चों की पढ़ाई के नाल नाल कई होर गतिविधियां भी हो रही हैं जिहदे नाल बच्चे स्किल डिवेलपमेंट हो रही है, सो बच्चे तो खुश है ही है, लेकिन पेरेंट्स भी बहुत खुश है कि मेरा बच्चा उन्हां अध्यापकों कोल है, उन्हां स्कूल कोल है, वो शिक्षा विभाग च है जिहदे च मेरा बच्चा बहुत तरक्की करेगा, और जो एक पेरेंट नूं चाहिए कि मेरा बच्चा एक मंजिल ते पहुँचे, वो मंजिल एहो जे स्कूलां विच एहो जी संस्था दे अंडर और एहो जी गवर्नमेंट दे अंडर जिहड़ा है वो पूरा हो सकता है सपना। इहदे नाल मैं देखिया कि साडे विच भी बतौर अध्यापक और बतौर मापे ये बहुत उत्साह मैं देखिया बच्चों च, मापियां च और अध्यापकों च बहुत ज़्यादा है, सो इहो जे प्रोग्राम होने चाहिए हैं, वध तो वध होने चाहिए। मेरा नाम सुखमंत्रपाल सिंह बराड, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी मल्टीपर्पज। सर ये बहुत वधिया उपराला सरकार का भी, साढ़े डिपार्टमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट अगे भी चलता सीगा, हुण जो असी देख रहे हैं इस बार का जिहड़ा मैं एनालाइज कर रहा है भी पेरेंट्स के विच बहुत उत्साह हैगा, एक तो टीचर्स वालों भी बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप राही भी सारे अवेयर भी किया गया सीगा भी कि साडा परपस इहदा की है पेरेंट टीचर मीटिंग का, साडा मतलब ये सीगा भी पेरेंट्स नूं कई बार पता नहीं हुंदा उहदा बच्चा स्कूल च की कर रहा है की नहीं कर रहा, उन्हां बच्चों ने जिहड़े बच्चों ने जो कुछ भी किया स्कूल च जिन्नियां भी प्राप्तियां ने उन्हां दी असी एग्जीबिशन लगाई हुई है, वो पेरेंट्स आउंदे आ देख रहे हैं सारा कुछ भी साडे बच्चे स्कूल च की कर रहे हैं, और वो पेरेंट्स टीचर्स दे नाल क्लासरूम च जाके टीचर्स नाल इंटरैक्शन करदे आ, टीचर्स बच्चों बारे पेरेंट्स तो भी पुछदे आ, उन्हां दी प्रॉब्लम्स उन्हां दा जो कुछ भी आउंदा वो सारे कासे दी गल हो रही है, और बड़ा सानू एनालाइज सानू इतों ज़्यादा वधिया पता लग रहा पेरेंट टीचर मीटिंग का भी किन्नी कु कामयाब है कि जिहड़े पेरेंट्स के जिहड़े फेस ने जो असं उन्होंने फेस रीडिंग करते हैं बहुत खुश है, मतलब अच्छे खुश होकर जा रहे हैं, चंगा लग्या उन्होंने भी साडे बच्चों भी साडे टीचर्स साडा एजुकेशन डिपार्टमेंट साडा स्कूल
किन्ने वधिया उपराले कर रहे हैं कि असी इन्हां दे बच्चों नूं असी बहुत वधिया इंसान बनाउणा है, इन्हां नूं जिंदगी च कामयाब करना है। सो मैनू तो लग्या भी जिन्ना भी क्योंकि हुण तक दी जो मेरे कोल रिकॉर्ड मेरे टीचर्स ने मैं जिन्नी फीडबैक ले रहा तकरीबन 85-90% ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 99% ਜਾਂ 100% ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 2 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਗੈਰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਮੰਥਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਬੀਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਹੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ।